लोगों वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसन व्लॉग्स। प्लीज आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के ऊपर आप लोगों ने लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरी डेली की वीडियोस मिलती रहें। आज से पहले तो जुम्मा का दिन है, आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक। तो आज हमारा प्लान बना के अपनी सिस्टर के घर जाने का, काफ़ी अर्सा हो गया या काफ़ी दिन हो गया हम वहाँ पर नहीं गए, तो आज सारी फैमिली हम प्लान बना के जा रहे हैं उनके घर। तो फिलहाल क्या कहते हैं, थोड़ी देर तक जुम्मा नमाज की तैयारी करते हैं, जुम्मा नमाज अदा करते हैं, फिर उसके बाद उनके घर चलेंगे। नमाज जुम्मा अदा करने के लिए न्यू ड्रेस वगैरह भी पहन लिया माशाल्लाह से। सिस्टर के घर जाना इसलिए न्यू ड्रेस पहना, ईद पे मैंने नहीं पहना था, अब पहना है। तो अब क्या कहते हैं, सर पे टोपी वगैरह रख लिए, अब नमाज जुम्मा अदा करते हैं। फिर उसके बाद जब वापसी आएंगे, सारे रेडी होंगे इंशाल्लाह, फिर हम रवाना होंगे यहाँ से अपने सिस्टर के घर की तरफ। फिलहाल नमाज जुम्मा अदा कर लिया है माशाल्लाह से, जुम्मा नमाज अदा किया हम लोगों ने। ये देखो सारे रेडी होकर खड़े हैं, अभी रेडी हो गई है, अरशद भाई भी रेडी हो गए हैं। आज जा रहे हैं कहीं, तो उसके बाद कहीं नहीं, मैंने बताया कि सिस्टर के घर जा रहे हैं। अक्सर बात नहीं बताई, पूछा था, मैंने पता लग गया सही बात बतानी है और झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं सही बतानी है भाई, हम लोग अपने व्लॉग में सच्ची बातें बताते हैं, झूठी बातें नहीं बताते थे। फुल मजा आया। चलो तो अभी नहीं जाते ना, अभी मतलब क्यों इरादा नहीं है वहाँ पे जाने का? जा रही हूँ। क्यों नहीं जाती अभी? जा रही है। तो चलो हम लोग अपने अपने बाइक्स निकाल के सारे यहाँ से रवाना होते हैं, चलते हैं अपनी सिस्टर के घर, थोड़े मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ओके यार, बहुत ज़्यादा सफ़र करके, क्योंकि यहाँ पर बीसी चौक पर इनका घर वाकई है, तो यहाँ के रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं, पाइपलाइन वगैरह डल रही है, रोड बन रहे हैं, तो हमें कहाँ कहाँ से चक्कर लगा लगा के, पता नहीं कहाँ कहाँ से, मैं तो बाइक चला चला के बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। अब यहाँ पर पहुँच गया, सबके साथ मुलाकात कर लिया, बैठते हैं गपशप करते हैं। वगैरह जब हमें पहले ही रेडी था, अरशद भाई क्या कहते हैं खाना वगैरह खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। ओ इतना ज़्यादा खाना खा लिया कि डकार आ रहे हैं। अभिया को भी और मुझे भी खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया माशाल्लाह से। अब अभिया से पूछते हैं कि उसको कैसा फील हो रहा है इतने दिनों बाद एक अपने सिस्टर के घर आई है, अभी कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। आपको एक बात बताऊं, जब से जब हम एक पैरा पैरा ब्लॉग की जब शुरुआत की थी, जब हम हलवा पूरी खाने लगे थे, तब से हम इधर नहीं आए, अब आ रहे हैं। तब जब मैं अपनी सिस्टर के घर से रह के आ रही थी, अब सारे बैठे एक दूसरे के साथ गपशप वगैरह करते हैं। क्यों वीडियो में नहीं? तो उसके बाद देखते हैं अगर सारी फ्री हो गए कज़न, फिर बाहर जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं बाहर यहाँ की जगह। ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे आ गए? नो फीलिंग। आपके अंदर फीलिंग नहीं है? आपकी फीलिंग कहाँ चली गई है? जब से हमारा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊं। चलो कोई नहीं, वो हार्ट वाला वो भी करके दिया ना, जैसे वो वीडियो टिकटॉक में ऐसे। अच्छा तो फीलिंग टूटी है? फीलिंग कैसे टूटती है? जब दिल टूटता फिर ही फीलिंग टूटती है। हाँ हाँ, मर्द की खासियत यही है। चलो एंजॉय करो आप यहाँ पर, सिस्टर के घर आए हो, कुछ गिफ्ट वगैरह लेके आए हो? अच्छा केले लेके आया हूँ, उसके अलावा अमरूद लेके आया हूँ, उसके अलावा सेब लेके आया हूँ, उसके अलावा मैं खुद आ गया। चलो बहुत शुक्रिया आपका। आपने खाना खा के अब कैसा फील हो रहा है? पेट भर गया आपका या नहीं? पेट भर खा के नहीं, थोड़ा तंग था, तो बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हैं। वैसे फ़र्क पड़ लग गया है आपके पेट पर मुझे लगता है, आपको नाम लगन मुझे लगता है। चलो फिर ठीक है, फिर आपका प्लान है कहीं बाहर यहाँ पे कोई आस पास जगह एक्सप्लोर करने का? ओके हम बैठे थे, अब हम लोगों ने प्लान बनाया कि यार थोड़ा सा यहाँ पे आसपास जाके कोई एक्सप्लोर करते हैं चीज़ें वगैरह। एंड पे यही बात करने वाला था मैंने, पहले एक्सप्लोर करके थोड़ा अमेरिका है। अच्छा उसके बाद आसिफ भाई हमें लेके जा रहे हैं पता नहीं कुछ खिलाने पिलाने के लिए। सिर्फ पिलाने, मैं इनको वॉक में लेके जा रहा हूँ, ये कह रहे हैं डाइटिंग की। चलो ये तो अभी बाद में, पेट बाहर आ गई है इसलिए पेट। मैं तो वैसे स्लिम स्मार्ट हूँ, अब रवाना होते देखते हैं कहाँ के कहाँ पे लेके जाते हैं।
अच्छा तो आपने कुछ कहा इसने अपने अब्बू की जैकेट पहनी हुई है। मेरी अपनी ले ही ली है। नहीं अब्बू की नहीं, दादे की पहनी है। मेरी अपनी है। चलो चलते हैं। निकले थे क्या कहते हैं रबड़ी की तलाश में। पहले हम पैदल गए हैं क्या कहते हैं वो कौन सा चौक है, बाईपास चौक पर। वहाँ पे हम घूम फिर क्या क्या रबड़ी हमें नहीं मिली। फिर हम लोग वापसी घर आए हैं, वहाँ से बाइक पिक की है। फिर क्या कहते हैं गुलशन मार्केट है यहाँ पे, कब से घूम फिर रहे हैं बाइक चला चला के, सत्यानाश हो गया हमारा। अब फाइनली हमने डिसाइड किया चलो यहीं से आइसक्रीम वगैरह खाते हैं। तो अब आइसक्रीम वगैरह हमने ऑर्डर कर दिया, ये आ भी गई हमारे पास, बहुत शुक्रिया। फुल बोर है प्रोटोकॉल। चलो ट्राई करो कैसी है, पहले आप लोग ट्राई करो ठंडी बहुत है। अर्षद भाई को बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस हुई है इसके अंदर। आसिफ आप कहते हैं बर्फबारी हो रही है तो अब मैं भी इसको ट्राई करने वाला हूँ यार। आइसक्रीम वगैरह ट्राई कर लिया है, अक्षत भाई वाले ने पहले ट्राई किया, मेरी बारी का वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था इसलिए मैंने पहले खा पी के अब उसके बाद वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा था शुरू शुरू में जब एक मतलब चम्मच वगैरह लिए तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, लेकिन जब वक्त के साथ खाता गया तो फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आप क्या कहते हैं रबड़ी की कमी हमने आइसक्रीम से पूरी कर ली है। अब चलो आ रहे हम चलते हैं वापस अपने घर को, वहाँ बैठते हैं फिर वहाँ पे थोड़ी देर सबके साथ बातचीत करते हैं, फिर उसके बाद फिर अपने अपने घरों को चलेंगे। सही तरह तो छील ले। लोग पहुंच चुके अपने घर, बहुत ज़्यादा अच्छा दिन हमारा गुजरा अपनी सिस्टर के घर, बहुत कुछ खाने को मिला है। उसके अलावा चिकन था, राइस थे, और उसके अलावा हम गए हैं आसिफ के साथ बाहर इंजॉय करने। वहाँ से हैं तो फिर हमें बॉयल का वैग मिला है, फिर चाय वगैरह पी है। अब उसके क्या कहते हैं ये पी कर सारे लोगों ने तैयारी की है वापसी घर आने के लिए की है। अब आए हैं बाइक पार्क के घर, अब थकावट है और कोई एक्टिविटी करने वाली नहीं है। तो अपना आज का ब्लॉग यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ सुबह के ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।